जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। गाइस, अगर आपने किसी एक प्रॉपर्टी को खरीदा है या फिर आपके पिताजी ने किसी एक प्रॉपर्टी को खरीदा था या फिर आपके भाई ने एक प्रॉपर्टी खरीदा है, कोई भी एक प्रॉपर्टी को अगर खरीदता है तो उसका रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत किया जाता है, तब प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होती है। प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होने के बाद जो आपको डॉक्यूमेंट मिलता है उसे बैनामा कहा जाता है या प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कहा जाता है। प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होने के बाद जो आपको रजिस्ट्री मिलती है, सपोज करिए किसी कारणवश वो रजिस्ट्री डैमेज हो जाए या फिर वो रजिस्ट्री कहीं गुम हो जाए या फिर आप पुराने बैनामा को एक्सेस करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, जो आपके दादाजी या फिर आपके पिताजी या फिर आपके पूर्वज ने किसी एक प्रॉपर्टी को खरीदा था और आज वर्तमान में आपको उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री की जरूरत है, तो आप कैसे उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री को प्राप्त कर सकते हैं। डैमेज हुई रजिस्ट्री या फिर आपको किसी पुरानी रजिस्ट्री को निकालना है तो आप कैसे उस रजिस्ट्री को निकाल सकते हैं, आज की इस वीडियो पे मैं कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगा। सो गाइस, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री का टाइप क्या था। जैसे कि वर्तमान में अभी हर एक स्टेट की एक ऑनलाइन वेबसाइट है, IGR की वेबसाइट है, उस वेबसाइट के अंतर्गत ही अब डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी के रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स का वहीं पे डेटा जो है एकत्र किया जाता है। कोई भी रजिस्ट्री अब होती है तो वो IGR पोर्टल पर ही होती है। हर एक स्टेट का अपना अपना IGR पोर्टल होता है। जब से लैंड रिकॉर्ड की वेबसाइट्स का ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च हुआ है, जब से लैंड रिकॉर्ड की वेबसाइट्स ऑनलाइन हुई है, तब से अगर आप रजिस्ट्री निकालना चाहें तो इस रजिस्ट्रियों को आप ऑनलाइन तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मध्य प्रदेश में वर्ष 2006-2008 से ऑनलाइन रजिस्ट्रीकरण स्टार्ट हुआ है, तब से अगर आप चाहें तो ऑनलाइन रजिस्ट्री सर्च करके और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही निकाल सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें इसके विपरीत कि आप पुरानी रजिस्ट्री निकालना चाह रहे हैं, जैसे कि सन 1980 की रजिस्ट्री या फिर 1990 की रजिस्ट्री या 2000 के पहले की रजिस्ट्री, तो ऐसी रजिस्ट्री को निकालने के लिए आपको उस रजिस्ट्री जहां पर हुई थी उसके रजिस्ट्रार ऑफिस में एप्लीकेशन करना पड़ता है या फिर आपको डॉक्यूमेंट के सत्यापित प्रति के लिए जिला अभिलेखागार में एप्लीकेशन करना पड़ता है। सबसे पहले अगर बात करें कि आपको पुरानी रजिस्ट्री निकालना है, क्योंकि नई रजिस्ट्री तो अगर आपको निकालना है तो अभी मैं वीडियो के लास्ट में प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आप कंप्यूटर से या फिर मोबाइल से अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्री को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पुरानी रजिस्ट्री निकालना चाह रहे हैं, पुराने सन की रजिस्ट्री निकालना चाह रहे हैं, तो इसके लिए क्या प्रोसेस है ये भी मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर चल के आपको एक फॉर्म बताऊंगा, उसको भर के आप निकाल सकते हैं। सपोज करिए कि आप एक 1990 की रजिस्ट्री निकालना चाहते हैं, तो उस समय कोई ऐसी ऑनलाइन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी कि इन रजिस्ट्री को डाटा ऑनलाइन तरीके से रखा जाए। ऐसी चीजों को एक ग्रंथ नंबर के द्वारा संजोकर जिला अभिलेखागार में रखा जाता है। इसे निकालने के लिए आपको जिला अभिलेखागार या संबंधित रजिस्ट्रार ऑफिस में एप्लीकेशन करना होगा, तब जाके आपको उस सन की रजिस्ट्री प्रदान की जाएगी। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, देखते हैं कि प्रेजेंट की रजिस्ट्री आप कैसे निकाल सकते हैं वर्तमान वर्ष की ऑनलाइन तरीके से, और पुरानी रजिस्ट्री को आप कैसे निकालेंगे, इसके लिए एप्लीकेशन कहाँ करना है और कैसे करना है। अपनी रजिस्ट्री या बैनामा डाउनलोड करने के लिए, अगर आपकी रजिस्ट्री ऑनलाइन तरीके से रजिस्टर्ड हुई है, जैसे कि जब से भूलेख का जन्म हुआ, जब से ऑनलाइन तरीके से रजिस्ट्री होने लगी है, तब से अगर आपकी रजिस्ट्री आपको बैनामा निकालना है, तो सबसे पहले तो आपको ऑनलाइन अपने स्टेट की IGR की साइट में जाना है। जैसे कि मैं मध्य प्रदेश के IGR साइट पर आ चुका हूँ, MP IGR, महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक वाणिज्य कर विभाग मध्य प्रदेश शासन। इसी प्रकार से आपको अपने स्टेट की IGR की साइट पे जाना है। हर एक स्टेट की अलग अलग IGR की साइट होती है। जैसे कि छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं तो आप छत्तीसगढ़ IGR साइट पे आएंगे, यहाँ आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ का सरकार, छत्तीसगढ़ विश्वसनीय सरकार, महानिरीक्षक पंजीयन। इसके बाद अगर बिहार की मैं बात करूं तो बिहार की IGR साइट पे आप आएंगे। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो UP की IGR साइट पे आएंगे। इसी प्रकार से अगर आपको किसी भी स्टेट की रजिस्ट्री डाउनलोड करनी है, निकालनी है, तो आपको उस स्टेट की IGR साइट पर आना है। फॉर एग्जांपल अगर आपको नहीं पता तो आपको सिंपल गूगल पे टाइप करना है राजस्थान IGR, एंटर प्रेस करेंगे, ये फर्स्ट वेबसाइट आएगी, रजिस्ट्रेशन एंड स्टाम्प डिपार्टमेंट राजस्थान, इस पर आपको क्लिक करना है। इसी प्रकार से आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उसकी IGR की साइट पर आप जाएंगे, वहाँ आपको संपत्ति खोजें या स्टाम्प अपना बैनामा सर्च करें, ऐसे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे।
जैसे कि मैं मध्य प्रदेश का करके बताऊं या फिर छत्तीसगढ़ का करके बताऊं या यूपी का करके बताऊं, तो यहाँ पर आपको संपत्ति खोजे का एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करके खोज सकते हैं। अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूँ तो मध्य प्रदेश में आएंगे, यहाँ आपको एक मिलेगा ई पंजीकृत दस्तावेज खोज, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपके सामने ये डिटेल्स आएंगी, यहाँ आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रजिस्ट्री का फिल करना है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता है तो जिससे भी आपने रजिस्ट्री करवाई हुई थी वहाँ पर जाके आप पता कर सकते हैं। सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं जिससे आपने रजिस्ट्री कराई हुई है वो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दे देंगे, यहाँ पर आप वही रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करेंगे या फिर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर हिंदी में निकाल सकते हैं, इंग्लिश में आपको कैसा स्टाम्प चाहिए, आपको जो बैनामा है आपको वो किस फॉर्मेट में चाहिए, हिंदी में या इंग्लिश में, जैसे हमें हिंदी में चाहिए तो आपको यहीं पर रजिस्ट्रेशन नंबर अपना फिल करना है, कैप्चा फिल करना है और सबमिट पे क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करते हैं जमा करें पे, तो आपके सामने अगर वो रजिस्ट्री ओरिजिनल है, डिजिटल रजिस्ट्री अगर ओरिजिनल है तो सारी डिटेल्स यहाँ पर उसकी पट से खुल के आ जाती है। जैसे आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर और ख़रीदने वाले का नाम, बायर डिटेल्स, सेलर डिटेल्स, सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको बायर सेल्फ डिटेल्स देखने को मिल जाएगी, नेम, लास्ट नेम, जेंडर, उसके पिताजी का नाम, जैसे हम जूम करके यहाँ पर आपको दिखाएं तो ये सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद सेलर की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको, सेलर की नाम मिल जाएगा, कितना एरिया है, कहाँ की प्रॉपर्टी है, कितना बेचा गया है, सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं खसरा नंबर, किसने में से कितना बेचा गया है और किसको बेचा गया है, बेचने वाला कौन है, ख़रीदने वाला कौन है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मेंशन होती है। इसी प्रकार से अगर आपकी रजिस्ट्री पुराने समय की है, जब ऑनलाइन नहीं हुआ करती थी रजिस्ट्री, ऑफलाइन हुआ करती थी, तो ऐसे समय की रजिस्ट्री के लिए आप अपने संबंधित जहां भी रजिस्ट्री हुई हो वहां उपपंजीयक या पंजीयक को ये एप्लीकेशन देंगे। एप्लीकेशन का फॉर्मेट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, वहां से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर जैसे लिखा है प्रति श्रीमान उपपंजीयक महोदय तहसील जिला, तो यहाँ पर आपको अपना तहसील और जिला लिख लेना है, यहाँ पर अपने स्टेट का नाम लिख लेना है। फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश आपको लिखना है अगर, तो उत्तर प्रदेश लिख सकते हैं या फिर जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वहाँ पर आपको लिख देना है, जहाँ भी आप ये एप्लीकेशन दे रहे हैं। विषय में लिखना है वर्ष 1999 बैनामा की सत्य प्रतिलिपि प्रदान किए जाने के संबंध में। इसके बाद लिखेंगे महोदय उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि आवेदक उपरोक्त पते का स्थायी निवासी है, आवेदक के पिता, अब यहाँ पर देखिए जो भी जमीन को खरीदा था उस टाइम पे तो वो एप्लीकेंट का कौन है, मान लीजिए यहाँ पर तो आप आवेदक डालेंगे ही, यहाँ पर आपको आवेदक का नाम डाल देना है जो भी हो आवेदक का नाम, इसके बाद पिता यहाँ, और यहाँ पर आप देंगे उम्र, और यहाँ पर निवास का एड्रेस आपको लिख देना है। तो इस एप्लीकेंट से उस ज़मीन खरीदने वाले का क्या रिलेशन है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। जैसे कि यहाँ पर इस केस में आवेदक का जो ये आवेदक रहेगा उसके पिता ने प्रॉपर्टी खरीदी थी 1999 में, तो यहाँ पर वो अपने पिता का नाम लिखेगा, इसके बाद अपने दादा का नाम यहाँ पर लिखेगा, अपने पिता के पिता का नाम, कहाँ के रहने वाले हैं और किस ग्राम की ज़मीन खरीदी थी, उसका खसरा नंबर क्या था, ये पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको फिल करनी है। जैसे ग्राम, किस ग्राम की ज़मीन थी, उसका राजस्व निरीक्षक मंडल क्या लगता था, तहसील क्या है, जिला क्या है और उसका खसरा नंबर रकवा क्या था जब आपने प्रॉपर्टी खरीदी थी, रजिस्टर्ड बैनामा के द्वारा खरीदी श्री खालिस्तान श्री निवासी के से वर्ष 1999 में की गई थी। कहने का मतलब ये है कि जिसने ये प्रॉपर्टी खरीदी थी उस प्रॉपर्टी के यहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन भरनी और किससे प्रॉपर्टी खरीदी थी वो डिटेल आपको यहाँ पर भरनी है। जैसे अभी तक के पिता जो खरीदार थे यहाँ पर डिटेल भरनी है, जो बेचने वाले हैं उनकी डिटेल यहाँ पर फिल करनी है। इसके बाद यहाँ पर लिखना यह है कि आवेदक को उक्त भूमि का अभिलेख सुधार कराना चाहता है। अब आप किस लिए ये बैनामा निकाल रहे हैं तो कोई भी आप रीज़न एक दे सकते हैं, अभिलेख सुधार कराना है या फिर प्रॉपर्टी का सीमांकन कराना है या कुछ और चीज़ के लिए, तो आप वो चीज़ के लिए यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जैसे लिखा है आवेदक बैनामा त्रुटिवश कहीं गुम हो गया है जिससे आवेदक को भूमि का रिकॉर्ड सुधार करने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है, उक्त बैनामे को आवेदक की आवश्यकता है जिसके लिए आवेदक श्रीमान के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर रहा है, उक्त भूमि का खसरा नक्शा चालान श्रीमान के समक्ष संलग्न करता है। तो इसके साथ आपको एक चालान दे लेना है 100 रुपये का, और ये प्रार्थना में आपको लिखनी है कि आवेदक को उक्त बैनामे की सत्य प्रतिलिपि प्रदान करने की कृपा करें। इसके बाद स्थान और यहाँ आवेदक सिग्नेचर करेगा। इस पर सारी डिटेल भरने के बाद, सारी इन्फॉर्मेशन सही से भरने के बाद आपको अपने उपपंजीयक के पास इसको
जमा कर देना है, या फिर आप इसे अपने जिला अभिलेखागार में भी दे सकते हैं। वहां से आपको इस प्रॉपर्टी का बैनामा 1999 का निकाल कर इसकी सत प्रतिलिपि प्रदान कर दी जाएगी। सो गाइस, ये था आज का वीडियो। वीडियो में आपने जाना कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्री और ऑफलाइन रजिस्ट्री, पुरानी रजिस्ट्री, नई रजिस्ट्री कैसे निकालेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, और अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।